Dear students, we are starting chapter non-profit organization. So dear students, non-profit organizations का meaning क्या होता है वो हम समझ रहे हैं. तो ऐसे organizations जो charity के लिए काम करते हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं. अगर बुकीज लैंग्वेज में बात करें तो इसकी लैंग्वेज के हिसाब से डेफिनेशन बनती है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टेब्लिश्ड फॉर अ चैरिटेबल और सोशल पर्पज. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल पर्पज से, सोशल पर्पज से एस्टेब्लिश्ड होते हैं, एंड नॉट अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, जिनका प्रॉफिट कमाना मोटो नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. सो अब आते हैं, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये अपने अकाउंट्स कैसे बनाते हैं? तो इनकी जो अकाउंट्स, वो नॉर्मल अकाउंट्स जैसे ही होते हैं. जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशंस अपने अकाउंट्स बनाते हैं, जनरल एंट्रियाँ करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी जनरल एंट्रियाँ भी करते हैं, अकाउंट भी बनाते हैं. कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट हमने 11th क्लास में भी सीखा था, वैसे ही बनते हैं यहाँ पर भी. फर्नीचर अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी लेजर्स होते हैं, वो सारे जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में बनते हैं, प्रॉफिट आर्न करने वाले ऑर्गेनाइजेशन पे बनते हैं, वैसे यहाँ भी बनते हैं. लेकिन ईयर के एंड में जो अकाउंट्स बनते हैं ना, जिनको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, वो एनपीओ में यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े से अलग होते हैं. तो क्या अलग होता है वो उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ईयर के एंड में जो अकाउंट्स होते हैं, उनमें एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है एनपीओ के अंदर, दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बनता है बैलेंस शीट. तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इन तीनों चैप्टर के बारे में समझेंगे. जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कंसेप्ट समझेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद में फिर अगले लेक्चर्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल, कुछ प्रैक्टिस उसकी. ऐसे करके हम इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वन बाय वन एक एक चीज़ करके हम उठाएंगे, सबको इकट्ठा नहीं करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप रेगुलर सभी लेक्चर्स देखते जाएंगे और ऑर्डर में देखेंगे, समझ में जल्दी आएगा आपको. थैंक यू स्टूडेंट्स.